पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दिखाइए। ये बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गैस हीटर है और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, आप खड़े हो सकते हैं और बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम ठंड में हैं। और अयोध्या के टेम्परेचर क्या है दिखा दीजिए, 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, 6 या 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अभी जो है 5 से 6 डिग्री होगा अभी तत्काल। यहाँ अभी जो बैठे हुए हैं, खड़े हैं हम लोग, ये जो गैस हीटर इसका आनंद ले रहे हैं। बिहार के कुछ ऐसे मंत्री नेता कहते हैं कि मंदिर का क्या फायदा है, अरे बुर्बक ये देखो मंदिर का क्या फायदा है, मंदिर अयोध्या में नहीं होता तो ऐसा लगता क्या, नहीं लगता ना। हम तो अयोध्या के लोकल हैं, यहाँ आसी पास के हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में ये दृश्य कभी देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी इस चीज का जो है हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की कृपा है और हमारे जो योगी जी बाबा जी हैं इनका जो है देन है। सुबह सुबह हम लोग मौजूद हैं अयोध्या के वीना चौक पर। आपको बता दें कि राम का मंदिर जो नव निर्मित मंदिर है वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और आपको मेरे पीछे सड़क पे यहाँ पे गैस हीटर नजर आ रहा होगा और लगातार मनीष कश्यप ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या का कहीं ना कहीं विकास बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो हीटर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा था कि मंदिर बन रहा है या फिर मंदिर हो तो ऐसी व्यवस्था की गई हो। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में ये विकास के नाम पे एक अलग और अच्छी व्यवस्था है जो ठंड में लोगों के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे देखिए सर लोग मौजूद हैं, अभी लोग ड्यूटी पर हैं। सर क्या बताएंगे जिस तरीके से यहाँ पे गैस हीटर की व्यवस्था की गई है? नहीं ये तो ठीक है, ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए है, सबके लिए है, मतलब ठंडी के मौसम है इसमें इसकी आवश्यकता भी है और सब लोग इससे बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को कितनी राहत हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा आप लोग? नहीं नहीं हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, ड्यूटी के साथ साथ इसका भी थोड़ा बहुत हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मेन हमारा काम है कि ड्यूटी करना, पहले ये पब्लिक के लिए मेन है कि मतलब कोई पब्लिक ज्यादा चल रही इस समय जो है उनके लिए मौसम थोड़ा सा इस तरह का है कि मतलब उसमें कोहरा की वजह से इसको लगाया गया हर जगह, अभी कई जगह और भी प्लान है लगाने के लिए। अच्छा कितना हीटर यहाँ पे अभी लगाए गए बीना चौक पे? पूर्ण अभी जानकारी नहीं, लेकिन 4-5 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं अभी। अच्छा, और अभी लग सकते हैं? अभी और लग सकते हैं, मौसम जैसा होगा उसके अनुसार बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उम्मीद है कि कई हीटर और लगाए जा सकते हैं। प्रिंस क्या बोलिएगा यहाँ पे ऐसी व्यवस्था को देख? देखिए अभी हम लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या के टेम्परेचर क्या है दिखा दीजिए, 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, 6 या 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अभी जो है 5 से 6 डिग्री होगा अभी तत्काल। यहाँ अभी जो बैठे हुए हैं, खड़े हैं हम लोग, ये जो गैस हीटर इसका आनंद ले रहे हैं। बिहार के कुछ ऐसे मंत्री नेता कहते हैं कि मंदिर का क्या फायदा है, अरे बुर्बक ये देखो मंदिर का क्या फायदा है, मंदिर अयोध्या में नहीं होता तो ऐसा लगता क्या, नहीं लगता ना। ऐसा कहीं आपने देखा है मंदिर के पास? कहीं नहीं देखा है, जो लोग को दिखा दीजिए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, क्या आपने पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में ये गैस हीटर देखा था कभी? विदेश में देखा था? विदेश में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं देखा होगा आपने, लंदन में भी नहीं देखा होगा, लेकिन अयोध्या में देखा। अयोध्या में देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से? श्री राम की वजह से। राम लाला जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसकी वजह से। अगर बिहार में भी जानकी मंदिर अगर बना दिया जाए सीतामढ़ी में, तो वहां भी ये गैस हीटर देखने को मिलेगा। पर वहां का नेता क्या कहते हैं कि मंदिर में क्या होगा, मंदिर में घंटा डोलाने से क्या होगा? देखिए मंदिर में हम घंटा भी डोलाएंगे और गैस भी हीटर का आनंद भी लेंगे, घंटा भी बजाएंगे और आनंद भी लेंगे और गैस का आनंद भी लेंगे। और आपको पता है बिहार में एक मंदिर है महावीर मंदिर, है ना, 5 हॉस्पिटल चलाता है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुंह पे तमाचा है कि जो कहते हैं कि मंदिर का क्या फायदा होगा। देखिए हम लोग तो अभी अयोध्या में है और 6 डिग्री सेल्सियस में भी हमें आनंद मिल रहा है। बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे योगी बाबा को कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा दिखाइए। ये बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गैस हीटर है और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, आप खड़े हो सकते हैं और बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम ठंड में हैं। और अब मुझे खुशी ये हो रही है ना कि जो खासकर जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ के पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं जो है बहुत काम कर रहा है। ये अगर ये नहीं होता तो वो लोग रात के ठंड के समय कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आग जलाना मना है, जला सकते हैं क्या? नहीं जला, कचरा फैलेगा फिर साफ होगा, इसी कारण देखिए गैस हीटर लगा दिया गया है कि पुलिस वाले हो आम आदमी हो। देखिए भैया आ गए, ये देखिए भी हाथ से अंबेडकर नगर से। अच्छा यूपी से ही है। अच्छा ये व्यवस्था देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा और अयोध्या में उम्मीद थी कि इस तरीके की भी व्यवस्था मिल जाएगी? उम्मीद होगी, इससे बेटर की उम्मीद थी, इससे अच्छे की उम्मीद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा आनंद ले रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। किसको शुक्रिया अदा करेंगे? सरकार को।
और सारा श्रेय किसको देंगे जो अयोध्या धाम में भी ये माहौल देखने को मिला? हम तो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा जी को, अपने योगी बाबा जी को। ऐसी जो है हम लोग कभी, हम तो अयोध्या के लोकल हैं, यहाँ आस ही पास के हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में ये दृश्य कभी देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी इस चीज़ का जो है हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है और हमारे जो योगी जी बाबा जी हैं इनका जो है देन है। ये कुछ लोग तो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे बस राजनीति हो रही है और योगी जी बीजेपी वालों का फायदा। इसको केवल एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है राजनीति को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इतना तेजी से विकास हुआ है, अब जो हमारे यहाँ के लोग रहते बाहर जाते, आप लोग मानते हैं कि विकास हो रहा है अयोध्या का, लेकिन और लोग जो है सत्ता में बैठे वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से विकास नहीं हो रहा है, विपक्ष के लोग। ऐसा कोई कह नहीं सकता है। अब इस टाइम जो, इस समय मेन जो मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या सिटी की बात कर रहा हूँ, इस समय जो हमारे यहाँ के मजदूर वगैरह जो माइग्रेट पीपल से बाहर जाते थे, उनका सारा रोजगार यहीं पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और वो लोग बहुत खुश हैं, और वो लोग बहुत पूरी तरह खुश हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग बाहर न जा करके यहीं पे अपना रोटी रोजगार करें, ताकि हमारा जो है और एक अच्छी संभावना भी बन चुकी है। जी कहीं ना कहीं विपक्ष वालों के लिए जो है कि ये आप देख सकते हैं, जो जनता बोली उनके मुंह पे एक तमाचा है, जो कहते हैं कि राम मंदिर से ना विकास हो पाएगा ना ही रोजगार मिल पाएगा। अच्छा, आप लोग से पूछना चाहेंगे, राम मंदिर बनने से यहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, बहुत से लोगों को रोजगार मिला है इससे। आने वाले समय में जनता बढ़ती ही जा रही है, आ रही है जनता। राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास हो रहा है कि नहीं? अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है, हर एक व्यक्ति इसमें शामिल है और हर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है इससे। आप अयोध्या के रहने वाले, चाहे आध्यात्मिक रूप में हो चाहे जिस रूप में हो, आदमी हर एक दृष्टिकोण से इन लोगों का विकास ही हो रहा है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर पर और अयोध्या के विकास पर सवाल जो उठाते हैं, यहाँ का नज़ारा अगर वो देखेंगे और अगर महसूस करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर असलियत में हो रहा है, तो वो सवाल उठाना बंद कर देंगे। और आपको हमारा ये प्रयास और ये चीज़ दिखाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम।